अस्सलाम वालेकुम, मैं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट 633 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बंद रही। इंडेक्स 40,350 की सतह के करीब बंद रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 77 मिलियन का काम KC 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि KC ऑल शेयर के अंदर 170 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 5.1 बिलियन बनती है। तो ओवरऑल वॉल्यूम्स को देखते हैं KC 100 इंडेक्स को, तकरीबन 2 वीक्स के हाईएस्ट वॉल्यूम आज के दिन हमें लगते हुए नजर आए KC 100 इंडेक्स के अंदर, और साथ में एक बहुत ज़्यादा अच्छा गेन भी नज़र आया। अच्छा, इसकी वजह क्या थी? कल जैसे हमने देखा था, न्यूज़ आई थी कि सऊदी अरब की तरफ से $2 बिलियन देने का ग्रीन सिग्नल आ चुका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आज की मार्केट के लिए बनी, क्योंकि IMF प्रोग्राम के अंदर जाने के लिए हमें $3 बिलियन की कन्फर्मेशन चाहिए, और जैसे ये हो जाएगा तो हम इंशाल्लाह IMF प्रोग्राम में भी चले जाएंगे। और ये जो सब अनसर्टेनिटी है और जो माशी हालात है वो मज़ीद बेहतर होते हुए हमें नज़र आएंगे। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी मार्केट के लिए आज के दिन, और मार्केट ने अच्छा परफॉर्म भी करते हुए नज़र आया। मज़ीद जो लेवल्स दिए गए थे तो लेवल्स ने भी अपने हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और मार्केट आप देखेंगे हमारे लेवल के पास बहुत अच्छा रिएक्ट किया। आप देखें अगर मार्केट जब ओपन हुई पॉजिटिव ओपन हुई, और फिर जो 130 का लेवल दिया गया था 40,130, मार्केट ने उसके पास भी ठीक ठाक कंसोलिडेट किया। तकरीबन 2 घंटे मार्केट ने हमारे 40,130-150 का जो लेवल था उसके दरमियान ने कंसोलिडेट किया, और उसके ब्रेकआउट पे जो हमारे मजीद टारगेट्स है उसको मार्केट ने अचीव किया। मजीद देखा जाए तो आपको स्टॉक्स दिए जा रहे थे, तकरीबन 1 हफ्ते से दिए जा रहे थे। पिछले फ्राइडे से हमने स्टॉक्स देने का सिलसिला स्टार्ट किया था, और अब हम देख रहे हैं कि उन सारे स्टॉक्स का टारगेट हिट होते जा रहा है। AVN हमने आपको 64 रुपये के पास दिया था, पिछले फ्राइडे से बात कर रहा हूँ मैं। TPLP हमने आपको दिया था तकरीबन 14 रुपये 10-15 पैसे के पास, इसकी भी कॉल थी। GLGL की कॉल थी 10 रुपये 60 पैसे के पास। फिर कल के दिन भी आपको जैसे MH की कॉल दी गई, NRSL की कॉल दी गई, DGKC की कॉल दी गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 95-100% हमारा जो भी स्टॉक्स दिए गए वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने टारगेट्स को अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। मजीद अगर हम देखते हैं तो जैसा आपको बताया, न्यूज़ आई सऊदी अरब की तरफ से, तो उसी के साथ साथ चूँकि ये पॉजिटिव न्यूज़ थी हमारी इकनॉमी के लिए, तो आज डॉलर के अंदर भी हम गिरावट देख रहे हैं। तकरीबन 3-3.5 रुपये इस वक्त ये गिरा हुआ है इंटरबैंक मार्केट के अंदर, तकरीबन 284.5-284 के दरमियान में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। ऑल दो अभी तक कोई क्लोजिंग नहीं आई है अभी। मजीद अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज़ को देख लेते हैं, तो क्रूड ऑयल तकरीबन अपने $80 की सतह के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है, तो $80.05 के पास चल रहा है, 56 सेंट नेगेटिव है, और गोल्ड $1 नेगेटिव है। जब वर्ल्ड मार्केट्स को देखते हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन 61 पॉइंट इस वक्त पॉजिटिव है, और अगर हम यूरोपियन मार्केट्स को देखें तो मोस्टली पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हम लोग को दिख रही है। मजीद अगर हम आ जाते हैं टॉप कंट्रीब्यूटर्स की तरफ, तो आज के दिन जो टॉप कंट्रीब्यूटर रहा वो OGDC रहा 99 पॉइंट के साथ, और फिर PPL 88 पॉइंट के साथ। इसके बाद आप देख सकते हैं एंग्रो 66 पॉइंट, हबको 40 पॉइंट, TRG 30 पॉइंट, सिस्टम 25 पॉइंट, लकी सीमेंट 20 पॉइंट, चिराग सीमेंट तकरीबन 19.5 पॉइंट। फिर आगे आप देख सकते हैं BSO, FFC, MLCF, SNGP, मिजान बैंक, HBL और मारी। जब हम डिक्लाइन साइड पे बात की जाए तो कम स्टॉक्स है। सबसे पहला जो है वो EFUG है 19 पॉइंट के साथ, फिर बैंक ऑफ फिलहाल 2.5 पॉइंट, फिर GHGL 2 पॉइंट, और आगे आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा इन्होंने नेगेटिवली कंट्रीब्यूट किया। मजीद अगर हम आज के मार्केट में टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात कर लें, आज के दिन जो टॉप एक्टिव रहा वो सिर्फ बैंक का स्टॉक 8 पैसे पॉजिटिव रहा। इसके अंदर तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा का काम हुआ। PPL कैप के पास बंद रहा तकरीबन, इसके अंदर भी साढ़े तेरह मिलियन का काम हुआ। टेली कार्ड के अंदर भी तकरीबन 1.9 करोड़ का काम हुआ। OGDC के अंदर भी ज़बरदस्त गेन रहा 5.66 रुपये के साथ, इसके अंदर भी 1 करोड़ से ज़्यादा का काम हुआ। WTL 5 पैसे पॉजिटिव रहा। यूनिटी 35 पैसे पॉजिटिव, 80 लाख का इसके अंदर भी काम हुआ। फिर आगे आप देख सकते हैं GLGL भी 87 पैसे पॉजिटिव रहा। फिर DPL भी 60 पैसे से ज़्यादा पॉजिटिव रहा। फिर FFL 9 पैसे पॉजिटिव, और HESCO 4 पैसे पॉजिटिव बन रहा। टॉप एडवांसेज के अंदर कुछ लिक्विड स्टॉक है जैसे हसी बोका शुगर, तकरीबन ये 4th रोज़ है आज भी अपर कैप पे ही बन रहा है 6.04 रुपये की सतह के करीब। फिर अगर हम देखते हैं GLGL के अंदर भी है तकरीबन 80 लाख का काम हुआ, ये भी टॉप एडवांसर्स के अंदर ही आता है क्योंकि ये 8% के गेन के साथ बन रहा। जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड पे बात की जाए तो मोस्टली लिक्विड स्टॉक है, एक आज जैसे
आदम जी लाइफ इंश्योरेंस हो गया, इसको एक लोअर कैप लगा, बाकी तो तकरीबन सभी इलिक्विड स्टॉक्स ही है। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर कैसी मूवमेंट आ सकती है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ केसीआर इंडेक्स के डेली चार्ट पे, और अगर आप इधर देखते हैं आज की कैंडल, तो आज की कैंडल एक बहुत हेल्दी कैंडल बनी है, हेल्दी ग्रीन कैंडल है, काफ़ी हद तक मारू बोजू से रिजेंबल करती है ये पैटर्न। मारू बोजू मैंने पहले भी जिक्र किया है, वो कैंडल जो कि अपने हाई के पास ही बंद हो, जो कि ये शो करता है कि अभी जो जो बुल्स की एनर्जी है वो ख़त्म हुई है, वो मजीद कंटिन्यू हो सकती है। तो ओवरऑल बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही हेल्दी कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल बनी है। वॉल्यूम्स भी आप देख सकते हैं, रमज़ान के तो हाईएस्ट वॉल्यूम्स ही आज के दिन लगते हुए नज़र आए हैं। और मजीद देखा जाए तो ये जो मैं आपको कल भी जिक्र किया था, उससे पहले भी यही जिक्र कर रहा था कि जो मार्केट ने गिरावट की हुई थी 2400 पॉइंट, अभी मार्केट ने उसके अगेंस्ट रिकवरी नहीं लिया है। तो ब्रेकआउट जैसे ही आएगा, अपने रिसेंट आएगा, मार्केट के अंदर हमें एक रैली मिलेगी। हमने आपको कल इंट्राडे और स्विंग ट्रेड की दोनों के एनालिसिस करके बताए थे कि प्रॉपर आप लोगों को कल हमने ट्रेडिंग का बताया था। अभी अगर हम देखते हैं मार्केट के सिनेरियो को, तो अगर मैं आर्ली टाइम फ्रेम पे आ जाऊँ, तो इस वक्त मार्केट क्या कर रही है, जो गिरावट की है मार्केट ने 2400 पॉइंट की, जो मार्केट ने अपना एक हाई लगाया था 42119 के पास, उसके अगेंस्ट पे जो मार्केट ने गिरावट की और एक लो लगाया 39482, और ये जो एक गिरावट थी इसके दरमियान में जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कोई रिकवरी नहीं आ चुकी थी। तो अभी मार्केट क्या कर रही, उस 2400 पॉइंट के अगेंस्ट एक रिकवरी ले रही है। और अगर आप अभी तक देखते हैं तो अभी तक तकरीबन मार्केट 850 पॉइंट तक की रिकवरी ले चुकी है अपने लो साइड से, ठीक है। अब क्या समझ में आया, जो 2400 पॉइंट की मार्केट ने गिरावट की थी, अब उसके अगेंस्ट मार्केट ने भी 850 पॉइंट की रिकवरी कर ली है। अब जो मार्केट का इमीडिएट जो लेवल आएगा, अभी मार्केट की क्लोजिंग आई 40,350 के ऊपर, अब जो मार्केट का इमीडिएट जो लेवल आ रहा है, या इमीडिएट टारगेट कह लीजिए कल के दिन के लिए, वो 40,490, आप इसको राउंड ऑफ कर लीजिए 40,500 का लेवल बनता है, जो कि करंट क्लोजिंग से 150 पॉइंट दूर है। तो हम उम्मीद करते हैं जिससे कि मार्केट की क्लोजिंग रही है, मार्केट कल के दिन इंशाल्लाह इसी टारगेट को पहले अचीव करेंगे। तो मार्केट का कल के दिन का पहला टारगेट 40,500 का आप समझ लीजिए, ये 150 पॉइंट दूर बनता है। और ये जो लेवल है 40,490, ये प्राइस एक्शन वाइज तो इम्पोर्टेंट लेवल है ही। प्राइस एक्शन से मुराद कि पहले तो इस लेवल से मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले चुका है, लेकिन ये लेवल की एक और खासियत यह है कि जो मार्केट ने 2400 पॉइंट की गिरावट की थी, तो ये उसके अगेंस्ट भी एक जो फिबोनाची नंबर है 38%, वो भी इसी लेवल के पास लाई करता है। तो इस वजह से ये जो लेवल है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 40,490, और इसके ऊपर क्लोजिंग मार्केट के लिए एक मजीद अच्छी मूवमेंट ला सकता है। लेकिन इसकी जो क्लोजिंग है वो मार्केट को आर्ली टाइम फ्रेम में देनी पड़ेगी। आर्ली टाइम फ्रेम से मुराद या तो 10 बजे मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो, या 11 बजे, या 12 बजे, या 1 बजे। मकसद ये कहने का कि आर्ली टाइम फ्रेम में मार्केट को इसके ऊपर क्लोजिंग मार्केट के लिए ज़रूरी होगी। और फिर जो मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाती है आर्ली टाइम फ्रेम में, तो फिर जो मार्केट का डायरेक्ट जो लेवल बनेगा मेजर लेवल, वो 40,800 का बनेगा, जो 40,500 से तकरीबन 300 पॉइंट दूर है। तो ये आप लोगों का अगला टारगेट बनेगा। उसके दरमियान में एक माइनर रेजिस्टेंस लेवल आएगा जो इंट्राडे में एक्ट करेगा, वो होगा 40,650 का लेवल। ये इंट्राडे के लिए लेवल माइनर लेवल रहेगा, लेकिन फिर जो मेजर डायरेक्ट लेवल है वो 40,800 का आना है। और 40,800 के बाद जो मेजर आपका रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो 40,950 का, और उसके बाद 41,100 का लेवल। तो ये आपके लिए कल के दिन के लिए रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। इस वक्त अगर आप शॉर्ट ग्राफ को देखेंगे तो शॉर्ट ग्राफ इस वक्त जो है वो थोड़े ओवरबॉट पोजीशन पे आ चुके हैं। अगर मैं बात करूँ 15 मिनट में, तो RSI इस वक्त थोड़ा ओवरबॉट पोजीशन में। तो इस वक्त बेहतर है कि अगर मार्केट बढ़ती है यहाँ से, मान लीजिए 150 से 300 पॉइंट का कल भी इजाफा अगर मार्केट के अंदर होता है, तो हमें चाहिए कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके काम करें और डिप पे उसी माल को रीएक्यूमुलेट कर लें। इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बाइंग नहीं करनी है, और स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। बाकी लेवल्स तो दिए गए आपको, इसी के ब्रेकआउट के ऊपर आप अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सपोर्ट लेवल जो मार्केट के लिए रहेंगे वो 40,120 का पहला लेवल है, उसके बाद 39,950 के पास का दूसरा लेवल है, और फिर 39,750, ये आप लोगों के लिए सपोर्ट लेवल है, और रेजिस्टेंस लेवल आप लोगों को बता दिए गए हैं। तो इस वक्त मार्केट की जिस तरीके की क्लोजिंग है, हम उम्मीद ये करते हैं कल भी मार्केट 40,500 से लेकर
ये जो 700 का लेवल है इसको आसानी से अचीव कर सकती है, जो कि आराम से 200 से 400 पॉइंट बनता है। तो ये मार्केट के लिए इजीली टारगेट होगा, लेकिन आपको इन लेवल्स को भी रिस्पेक्ट देनी है। कोई भी मार्केट रिजेक्शन देती है या कोई भी लेवल टूटता है तो फिर वो आपके लिए एक अलर्टिंग सिचुएशन होगा और आपके लिए एक सेलिंग एक सिग्नल होगा। अब पहला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो है OGDC। देखिए OGDC का अब आप लोगों को कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। देखिए OGDC ने गिरावट स्टार्ट की थी 93.38 रुपीज़ से, जो इसने एक लगाया था 13 मार्च के दिन। उसके अगेंस्ट इसने जो लो लगाया वो हमें लगाते हुए नजर आया 4 अप्रैल के दिन 80.85 रुपये। तो ये जो 12.5 रुपये ये गिर चुका था, उसके अगेंस्ट कोई हमें बेसिकली रिकवरी नहीं, मेजर रिकवरी नहीं दिखी थी। तो अभी जो OGDC बढ़ा है ये उसी के अगेंस्ट एक रिकवरी दिखा रहा है खाली, ठीक है। तो इस वक्त अगर आप देखते हैं तो ये अपने लो से 80.85 रुपये से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन 6.5 रुपये ऊपर है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, आप देखिए अगर इस पर 15 मिनट का भी चार्ट देखेंगे तो ये एक हाईली ओवरबॉट पोजीशन के अंदर आ चुका है। RSI को आप देखेंगे तो ओवरबॉट पोजीशन के अंदर है, और इस वक्त जो इसका एक मेजर लेवल है 88.50 रुपीज़, ये अब इसका एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। और यहाँ पे 61% का रेशो भी लाई करते हैं जो कि एक फिबोनाची नंबर है। तो कल के दिन अगर ये बढ़ता है और पॉसिबल है कि 88.60 रुपीज़ 88.50 रुपीज़ को ये अचीव कर ले, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए अब यहाँ पे बाइंग नहीं करनी, अब यहाँ पे आपने प्रॉफिट को बुक करना है। यहाँ पे आपको जितना हो सके यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है OGDC के अंदर। हाँ, अगर ये 88.60 रुपीज़ के ऊपर आवर्ली टाइम फ्रेम में सस्टेन कर जाता है तो फिर आपको कुछ मजीद एक मूवमेंट मिलेगी 89 रुपीज़ से लेकर 90 रुपीज़ की। लेकिन अब इसकी जो अपर मूवमेंट है वो लिमिटेड है क्योंकि ये अच्छा खासा बढ़ चुका है। तो फ्रेश बाइंग के लिए इसको अभी नहीं ले सकते, इसमें अंदर एक पुल बैक का हमें इंतज़ार करना चाहिए फ्रेश बाइंग के लिए, ठीक है। तो कल के दिन ये ऊपर जाता है, अभी 87.20 के पास क्लोजिंग आई है, तो 88.60 का जो लेवल है ये इसका पहला लेवल होगा जिसके पास आप प्रॉफिट बुकिंग का देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आपका आएगा इमीडिएट वो 89.20 रुपीज़ का होगा, और उसके बाद जो लेवल आएगा वो 90.10 रुपये का होगा। तो इन लेवल के पास अब आपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है, अब आपने इसके अंदर फ्रेश बाई नहीं करनी। दूसरा जो स्टॉक हमारे पास आज के दिन मौजूद है वो है सासगार। सासगार को अगर देखते हैं तो इसने एक जो रिसेंट हाई लगाया था वो लगाया था 16 मार्च के दिन तकरीबन 55.45 रुपये का। उसके बाद इसने एक लो लगाया, वो लगाया 30 मार्च के दिन जो कि है 44.35 रुपये, और इस वक्त ये मौजूद है तकरीबन 45.37 रुपये के आसपास। तो अभी इसको देखते तो ये अपने हाई सेट से इसे तकरीबन 11 रुपये की गिरावट की है, और उस गिरावट के बाद अभी तक इसने कोई एक रिकवरी नहीं ली है। तो ये 11 रुपये की गिरावट के बाद अभी तक इसने कोई एक रिकवरी नहीं लिया। करंटली इसको देखा जाए तो अभी कंसोलिडेशन के अंदर है, 46 से लेकर 44 का ये जो रेंज है इस रेंज के दरमियान में कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। अब जो इसका ब्रेकआउट लेवल है वो 46 रुपीज़ का लेवल बन जाता है। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा इसका जो पहला टारगेट बनेगा वो 47 का पहला, 48.50 का नेक्स्ट, फिर 50 का दूसरा, और 51 का आखिरी टारगेट बनेगा। इसके टारगेट्स बड़े अच्छे हैं, तो इसके अंदर मल्टीपल आप ट्रेड कर सकते हैं। आप चाहे तो करंट रेट पे बाई कर सकते हैं और 44 रुपये के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और आसानी 47, 48, 50, 50 और 51 के टारगेट्स ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो 46 के ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लें। तो ये दोनों हिसाब से कंफर्टेबल ट्रेड रहेगी, ये स्विंग ट्रेड के लिए एक बेहतर स्टॉक रहेगा, ठीक है। इसको इंट्राडे के लिए ऑफ नहीं करना चाहिए क्योंकि वजह यह है कि इसके अंदर थोड़े वॉल्यूम कम लगते हैं कंपैरेटिवली आप देखा जाए, ठीक है। तो इसको बेहतर है कि अगर आप स्ट्रिंग ट्रेडिंग के लिए लेते हैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता के लिए, तो ये आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है। 45.37 पे स्टॉप लॉस आप 44 के नीचे लगाएंगे और टारगेट्स आप लोगों को दे दिए गए हैं, तो ये बहुत अच्छी ट्रेड रह सकती है। क्योंकि वही बात है, हाईली ओवरसोल्ड है, RSI को देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है, और एक रिकवरी हम लोग को लेता हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि ये 11 रुपये गिरा हुआ है, ये एक स्टॉक अच्छा रह सकता है। मेरी हमेशा प्रेफरेंस ये होती है कि ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड किया जाए। तो ये थी आज की वीडियो। तो ओवरऑल मार्केट अच्छी है, मार्केट के अंदर अभी भी जगह है ऊपर जाने की, लेकिन शॉर्ट टर्म में इंट्राडे के अंदर अगर मार्केट कोई डिप लेती है तो एज एन अपॉर्चुनिटी की तरह ऐड करना चाहिए, और हाई साइड पे जहाँ जो लेवल्स दिए गए उनके बाद प्रॉफिट टेकिंग भी करनी चाहिए। तो ओवरऑल मार्केट अच्छी है,
इस वक्त जो आपको लेवल्स दिए गए हैं, जो स्ट्रेटेजी बताई गई है, उस पर अमल कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ उमदा वसीम, PSX एनालिसिस से।